राजेंद्र पांडे जी, राज कपूर यादव जी, निर्मल खत्री जी, सैयद खान जी, महेंद्र यादव जी, राणा कृष्णा किंकर जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी के समय आप आए, मैं बहुत आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, मगर उत्तर प्रदेश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं। जब तक इन दो सवालों का जवाब नहीं मिला, तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। सबसे पहला सवाल, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको करोड़ों युवा हैं, आपके करोड़ों युवा हैं, आप उनसे पूछिए भाई करते क्या हो। छोटी सी दुकान के सामने चले जाइए, युवा से पूछिए करते क्या हो। 90% युवा आपको जवाब देंगे, ऐसे हाथ करके कहेंगे कुछ नहीं करते हैं, रोजगार नहीं है हमारे पास। तो उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा सवाल युवाओं के रोजगार का सवाल है। जब तक उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। बाकी सब बातें करी जा सकती हैं, मगर ये सबसे जरूरी चीज है। और इसी के साथ एक दूसरा सवाल है, ये प्रदेश पूरे देश को भोजन देता है। कोई आलू उगाता है, कोई गन्ना उगाता है, कोई धान उगाता है, दिन भर अपना खून पसीना अपने खेत में डालता है, मगर जब हमारा किसान रात को सोता है, उसके दिल में दर्द होता है, डर होता है। वो अपने कल को ठीक तरीके से नहीं देख सकता है। उसे ये नहीं मालूम कि आने वाले कल में वो अपने घर को कैसे चलाएगा। उसके दिल में डर होता है कि अगर मेरी बीवी या मेरे माता पिता बीमार हो गए तो मैं इनका इलाज नहीं करा सकता। उसके दिल में दर्द होता है कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं जा सकते। तो ये दो समस्या उत्तर प्रदेश के सामने है, एक रोजगार की समस्या और दूसरी इस प्रदेश को जो बनाते हैं, इस प्रदेश को जो भोजन दिलवाते हैं, उनके भविष्य की समस्या। जब तक इन दो सवालों के जवाब नहीं आएंगे, तब तक यह प्रदेश अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। अब देखिए, इस प्रदेश के पास बहुत शक्ति है, पानी है, जमीन है, और शायद देश के सबसे अकलमंद लोग इस प्रदेश में रहते हैं, मगर आज उत्तर प्रदेश के लोग कभी महाराष्ट्र, कभी हरियाणा, कभी पंजाब काम ढूंढने जाते हैं। अगर इस प्रदेश को देखा जाए, इस प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए, जिलों को देखा जाए, तो हर जिला कुछ ना कुछ बनाता है, कुछ ना कुछ उगाता है। मेरे पास यहां लिस्ट है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। पूरी दुनिया में कनौज का इत्र मजबूत है,
इतना जाना जाता है, मशहूर है। झांसी का हैंडीक्राफ्ट, कानपुर का लेदर वर्क, मिर्जापुर में जो कालीन बनते हैं, बाराबंकी का पेपरमिंट, तराई का गन्ना, बरेली में बांस का काम, इलाहाबाद का अमरूद, फिरोजाबाद का कांच, प्रतापगढ़ का आंवला, मुरादाबाद का ब्रासवर्क, अमेठी का टमाटर। हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ उगाते हो, कुछ ना कुछ बनाते हो, मगर तब भी आपके पास ना रोजगार है और ना आपके किसान खुश हैं। कुछ समय पहले मैं चीन गया था और चीन में एक जिला का नेता मिला मुझे। वहां पे भोजन था, वो मिला और मैं उससे चीन की बात करूं, हिंदुस्तान की बात करूं, वो हिमाचल प्रदेश की बात करूं। मैं उससे चीन के बारे में सवाल पूछूं, वो हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे सवाल पूछे। 5 मिनट बाद मैंने उससे कहा, भैया मुझे सब कहा, ये मैं आपसे, मैं हिंदुस्तान का नेता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश का नेता नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का नेता हूं, तुम मुझसे हिमाचल प्रदेश के सवाल क्यों पूछेगा? तुम्हें बाकी हिंदुस्तान में कोई रुचि नहीं है क्या? मिल रहा राहुल गांधी कहते हैं मुझे हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, राहुल की बात, मुझे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में इंटरेस्ट है। मैंने पूछा क्यों? अभी कहता है रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे डिस्ट्रिक्ट में हम सेब उगाते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से सेब पूरी दुनिया में जाए और बाबा साहब सेब खाएं तो डब्बे पे लिखा हो मेड इन चाइना, और मेरा कंपटीशन वो हिमाचल प्रदेश के लोगों से है, वो वहां पे सेब उगाते हैं, मैं अपना सेब हिमाचल प्रदेश में बेचना चाहता हूं, उनको हराना चाहता हूं। अब ये देखिए कैसी सोच है। मेरा सपना है कि उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फैक्ट्री बनाएं। ऐसा दिन आए जब उमारा साहब जाए, अब प्रेसिडेंट नहीं है काफी समय उनके पास, दुकान में जाए, चमड़े का जैकेट, लेदर का जैकेट खरीदे, पीछे देखे यहां पे, उस पर लिखा हो मेड इन कानपुर। कोई अमेरिका में आम खाए, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। ऐसा होगा तो इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, उसमें चिप्स बनेंगे, खेत के पास फैक्ट्री लगेगी, किसान सीधा जाएगा फैक्ट्री में अपना आलू बेचेगा और फैक्ट्री में 500,000-2,000 युवा काम करेंगे। ये काम हम आपके लिए करना चाहते हैं कि कल आपको लगे कि आप फोन खरीदे, ऐसा फोन खरीदे, आज इस फोन के पीछे लिखा है, देखो बड़ा लिखा है यहां पे, मेड इन चाइना। कल ऐसा दिन आए जब आप फोन खरीदे और फोन पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अखिलेश से मैंने कहा कि युवाओं की सरकार बनेगी, हमें 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, 5 पॉइंट का युवा मैनिफेस्टो। उसमें हमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को 5 वायदे करने चाहिए, मगर ऐसे वायदे करने चाहिए जिससे उनकी पूरी जिंदगी 5 साल के अंदर बदल जाए। अखिलेश ने मुझसे कहा कि बताओ सुझाव दो, पहला वायदा क्या हो। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश का हर युवा सरकारी नौकरी, बैंक में काम, आईआईटी में, आईआईएम में जाना चाहता है। हर मां का सपना है कि
कि मेरा बेटा बैंक में काम करे, भैया देना यार, IAS में जाए, IFS में जाए। मगर जब उत्तर प्रदेश के युवा कोचिंग सेंटर में जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में कोचिंग सेंटर है, जब वहां जाते हैं पहला सवाल उनसे पूछते हैं, भैया बताओ तुम्हारे जेब में 20-30 हजार रुपए है? युवा कहता है नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो फिर कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे यहां जगह नहीं। इस कोचिंग सेंटर में सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिनके जेब में 20-30 हजार रुपए है। तो मैंने अखिलेश से कहा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार, अब यार उत्तर प्रदेश के युवाओं से पहला वायदा करे, तो बोलो ओके है, पांच में से एक पहला, पहले ऑडियो चेक करवाया था तो ओके बोलो, कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी लाइन पर कितना कम करना, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में अब देखो एक हाई क्वालिटी का कोचिंग सेंटर खोले। अब देखो और कोचिंग सेंटर में ठीक है, जब उत्तर प्रदेश का कोई युवा जाए अभी ठीक है, कोचिंग सेंटर के लोग उसे पहली बात बताएं कि भैया देखिए आप हमें बताओ कहां जाना चाहते हो, आप बैंक में काम करना चाहते हो, आप IAS में जाना चाहते हो, आप IIT में जाना चाहते हो, हम आपको सिखाएंगे, मगर आप एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस कोचिंग सेंटर में हम आपसे एक रुपया नहीं लेंगे, यहां पर मुफ्त का काम होगा। और आप किसी भी परिवार से आओ, किसी भी धर्म, किसी भी जात के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूपी के युवा हो, आप इस कोचिंग सेंटर में बिना एक पैसे कोचिंग ले पाओगे और आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। और ऐसे मैंने अखिलेश से कहा कि पांच कम से कम वायदे होने चाहिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर यूपी को मजबूत बनाना है तो जो हमारी बहनें हैं, जो इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जो दिन भर काम करती हैं, उनकी भी सोचनी पड़ेगी। तो उसमें भी मैंने कहा कि महिलाओं के लिए, बहनों के लिए भी हमें कुछ करना है, कम से कम पांच महिलाओं के लिए हम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में खोलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला पुलिस स्टेशन, जहां बिना घबराए हमारी महिलाएं जा सके, FIR दर्ज करना हो तो FIR दर्ज कर सके, कोई दूसरी मुश्किल हो तो उस पर उनकी उनके कार्रवाई हो। सरकारी स्कूल में जो जाती हैं, हर बच्ची को 500 रुपए महीना दिया जाए और बारहवीं क्लास पास करने के बाद 25,000 रुपए हर महिला को दिया जाए, हर लड़की को दिया जाए। और नरेगा में महिलाओं को ज्यादा जगह दी जाए। तो इस प्रकार का हम उत्तर प्रदेश आपके लिए बनाना चाहते हैं, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का उत्तर प्रदेश। अब दूसरी तरफ देखिए, मोदी जी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं भाई और बहनों मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, कहीं जाएंगे कहेंगे मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम मेरे भाई हो। वाराणसी गए, अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री कैसे व्यक्ति है, वाराणसी गए और कहते हैं गंगा मेरी मां है, मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है, मैं आया हूं गंगा का मैं बेटा हूं, मैं बनारस आया हूं, बनारस के लिए काम करने आया हूं, आप मुझे वोट दे दीजिए और गंगा मां का बेटा पूरा का पूरा काम करके ले लेगा। 2014 में कहा था, बहुत वायदे किए, लिस्ट मेरे पास है मैं पढ़ लेता हूं। आप बनारस जा सकते हो, पास है बनारस, आपको मालूम होगा इन वायदों में से कौन से पूरे किए हैं कौन से नहीं किए हैं, मैं पढ़ लेता हूं फिर आप बताना।
सारा गंगा को मैं साफ कर दूंगा। हो गई साहब? गंगा की घाटों को मैं साफ कर दूंगा। हो गई साहब? हर घर में पीने का पानी दे दूंगा। हो गया? हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा। लग गई? शहर के बाहर रिंग रोड लगा दूंगा। बन गई? फोर लेन रोड बना दूंगा। बनारस में फ्री इंटरनेट दे दूंगा। हो गया? बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। नहीं बना? फिल्म सिटी की बात हुई तो लाइव में डाला नहीं था तो फिल्म की मैं भी बड़ी बात कर देता हूँ। मोदी जी आए थे, जैसे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, उन्होंने भी पिक्चर बनाई। बोल रहे ठीक है, पीएम अच्छे दिन की पिक्चर। हिंदुस्तान से कहा, पहली लाइन में देखो, पहली लाइन होती है मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, दूसरी लाइन होती है मैं करूंगा, पहली लाइन होती है मुझे चुनाव जिताओ, दूसरी लाइन होती है मैं करूंगा। जहां भी जाते हैं, मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई को वोट दो फिर भाई काम करेगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, बेटे को वोट दो फिर काम करूंगा। वोट का रिश्ता, ढाई साल कुछ नहीं किया, दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर सुनी है आपने? सुनिए ना, अच्छे दिन वाली पिक्चर, उसमें सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बड़ी बड़ी सड़कें, चमकते हुए घर, मर्सिडीज गाड़ी, सुंदर लोग। मोदी जी ने ऐसे पिक्चर बनाई, प्रधानमंत्री बने, पता लगा पिक्चर का नाम शोले था, आ गया गब्बर सिंह। आठ नवंबर को खड़े होते हैं, कहते हैं सुनो भाई और बहनों, तुम्हारे जेब में 500 रुपए 1000 रुपए का नोट है? हाँ जी हैगा। ईमानदारी से तुमने कमाया? हाँ जी साहब, ईमानदारी से कमाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, मेरे दिमाग में आइडिया आया है भ्रष्टाचार से लड़ने का। कैसे करते हैं? 500 रुपए के नोट को रद्द कर देते। चलो खत्म। हा हा हा, हमारे प्रेस के मित्र घबराते हैं तो कहते हैं भैया क्या कमाल का काम किया, देखो क्या कमाल का काम किया, वाह 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 वाह। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये आर्थिक पागलपन है, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। हिंदुस्तान की जनता देख के कही, भैया क्या कर दिया आपने? किसान कह रहा है कि 500 रुपए 1000 रुपए के साथ हम बीज खरीदते हैं, मोदी जी हम बीज नहीं खरीद पा रहे, बो नहीं पा रहे। छोटा दुकानदार कहता है, मोदी जी हम चेक से काम नहीं करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से काम नहीं करते हैं, हम कैश से काम करते हैं, हमने मार दिया, हमने पीएम से बोल रहे हैं, लाइन लगा दी पूरी देश। यहां जो हमारी महिलाएं बहने बैठी हैं, इन्होंने थोड़ा सा पैसा बचाया था, 500 रुपए के नोट उसको रद्दी कर दिया। आप मुझे बताओ, बैंक के सामने जो लाइन लगी थी उसमें आपको एक अमीर सूट बूट वाला दिखा? उस लाइन में सिर्फ गरीब लोग थे, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। मोदी जी ने स्वयं कहा था कि हिंदुस्तान का काला धन स्विस बैंक अकाउंट में, याद है आपको? हिंदुस्तान का 94% काला धन स्विस बैंक में, जमीन में और सोने में। मोदी जी ने जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर घर को दूंगा, दिया? नहीं दिया। चुनाव के बाद पता नहीं क्यों, जहां 94% काला धन है स्विस बैंक्स में, जमीन में, सोने में, उसके पीछे नहीं पड़े, मगर गरीब लोगों के पैसे के पीछे पड़ गए और आपके पैर में कुल्हाड़ी।
मार दी। लक्ष्य क्या था मैं आपको बता देता हूं। मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों का माफ किया है, 6,00,000 करोड़ रुपया और बचा हुआ है। इन्होंने ये पैसा बैंक से लिया और ये पैसा वापस नहीं देना चाहते। नोटबंदी का लक्ष्य था कि आपके पैसे के बल पर उनका कर्जा माफ किया जाए, मतलब गरीबों से उनका पैसा खींचो, उसको बैंक में डालो, 6-7 महीने उस पैसे को बैंक में रखो और फिर उस पैसे के बल पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का 6,00,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करो। मतलब गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि कानपुर में लेदर की फैक्ट्री लगती है, मिर्जापुर में कालीन बनते हैं, लखनऊ में आम उगते हैं, अमेठी में टमाटर। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए माफ किया, 6,00,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का माफ कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए कितने लोगों को रोजगार दिया? एक को भी नहीं। माल्या ने किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया है? एक को नहीं दिया है। हमारी सरकार आएगी तो हम बैंक लोन आप लोगों को देंगे, युवाओं को देंगे, छोटी छोटी फैक्ट्री जो चलाते हैं उनको देंगे, छोटे दुकानदारों की मदद करेंगे, किसान की मदद करेंगे, आपके पास आएंगे। मान लो मिर्जापुर में कोई फैक्ट्री चलाते हैं, लोग कालीन बनाते हैं, उनके पास जाएंगे, देंगे, सुनो इधर आप, मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए माल्या को दिए, एक रोजगार नहीं मिला। हम उन पे भरोसा नहीं करते, हम आप पे भरोसा करते हैं। आज आपकी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, आप कालीन बनाते हो, आपके पास मशीनें नहीं है, बिजली नहीं है, हम आपको बैंक लोन देंगे, 20,00,000 रुपए का, 30,00,000 रुपए का बैंक लोन देंगे। आप जो मशीनें खरीदना चाहते हो आप खरीदो, हम आपको सड़क दे देंगे, पास में रेलवे लाइन लगा देंगे, एयरपोर्ट लगा देंगे, बिजली दे देंगे, एक शर्त पे 3 साल बाद हम यहां वापस आएंगे आपके पास। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फैक्ट्री में आज 10 लोग काम करते हैं, 3 साल बाद 200 लोग काम करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। यह आप मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये लीजिए बैंक लोन, काम शुरू करिए। और ऐसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, यहां आएंगे, चुन चुन कर युवाओं को हम बैंक लोन देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, छोटे दुकानदारों की मदद करेंगे और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं और 50 लोगों को 6,00,000 करोड़ रुपए दे देते हैं, 1,40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कितना कर्ज माफ किया? मैं गया था, 30 दिन की मेरी यात्रा लगी थी यहां पे, किसानों से मिला, बात की, किसानों ने 3 चीजें कही मुझे, राहुल जी मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का माफ किया है, आप जाइए मोदी जी के पास, हमारी तरफ से बताइए, वो आते तो है नहीं, आप आए हमारे पास, आप हमारे खेत में आए, आपने हमारी समस्या देखी, आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि हमारा भी कर्जा माफ कर दे। कांग्रेस ने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। बिजली बिल हाफ करा दीजिए और हमें अनाज के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए सही दाम दिलवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम पूरा दिन काम करते हैं, खुशी से काम करेंगे, ये 3 चीजें आप करा दीजिए। मैं गया स्वयं मोदी जी के ऑफिस में, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हम सब गए, मोदी जी यहां बैठे, मैं उस साइड बैठा हूं, बीच में बड़ी सी मेज, प्रधानमंत्री के ऑफिस में। मैंने उनसे कहा, मोदी जी आपने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 लोगों का माफ किया है, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, इनके पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, सब कुछ है, मैं समझता हूं कि आपको यह करना है, ठीक है, मगर हमारे किसान भी हैं,
आज हिंदुस्तान का किसान इंसेक्टिसाइड की बोतल देखता है घबराता है कि कभी मुझे यह पी ना पड़े, डरता है। बारिश आ जाती है, ओला गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। यह किसान इस देश को बनाता है, ये किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आप 1,40,000 करोड़ रुपए माफ मत करो, 60-70,000 करोड़ रुपए तो माफ कर दो। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी का जवाब। मैंने कहा उस साइड से, मैंने कहा मोदी जी आप हिंदुस्तान के किसान की आवाज सुनिए, 2 करोड़ किसानों ने आपको फोन भेजे हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि आप कर्जा माफ करें। ये देखिए मोदी जी का जवाब। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मतलब एक शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। और फिर आते हैं कुछ ही दिन पहले यहां आए और कहते हैं भाई और बहनों मुझे वोट दो, बीजेपी को चुनाव जिताओ और मैं कर्जा माफ कर दूं। मोदी जी आप रिश्ता बनाते हो, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, कर्जा माफ करना है जाइए ऑफिस में, कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, 2 मिनट में आप हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। आप यहां आकर झूठ मत बोलिए। आपको उत्तर प्रदेश की सरकार की जरूरत नहीं, आपके पास हिंदुस्तान की सरकार है। आप कर्जा माफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं। तो एक तरफ झूठ के बाद झूठ, 15,00,000-2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, महिलाओं के लिए, ये झूठ के बाद झूठ, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, कर्जा माफी दी, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। आप हमारे पास आए थे, किसान आया था हमारे पास, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने आपसे सौदा नहीं किया। आप आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए थे, मेरे पास आए थे, और उन्होंने कहा राहुल जी कर्जा माफ कीजिए 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया। ये लोग हम समझते हैं, हम जो दिल में उनका, उनके दिल में जो दर्द है उसको समझते हैं। सीधी बात, बेरोजगार युवा का हम दर्द समझते हैं। हम आपके पास कभी नहीं आएंगे भैया हमें वोट दो फिर करेंगे, हम पहले करते हैं। आखिरी बात मोदी जी को बताना चाहता हूं, आप यहां आते हो, जहां भी आप जाते हो आप नफरत फैलाते हो। ये देश सबका है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जात के लोग रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश आते हो, जब आपको डर लगता है चुनाव जा रहा है, हार रहे हो, आपने देखा कि अखिलेश और मैं एक साथ खड़े हो गए तो घबराहट है आपने, तो आप नफरत की बात करते हो, लोगों को बांटने का काम करते हो। यह प्रदेश एक है, इस प्रदेश में सब लोग एक हैं, एक साथ ये प्रदेश खड़ा रहेगा। मोदी जी, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और आप देखना मोदी जी, आप इस प्रदेश को समझे नहीं, यह प्रदेश भाईचारे का, मोहब्बत का प्रदेश है। यह प्रदेश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगा और ये प्रदेश एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।